पहले तो भैया कितने टाइम से जुड़े हुए आप हमारे से? मैं भाई आपको लगभग 20-22 साल से जानता हूँ भाई को। और इससे लगाने के बाद टूरिंग मॉडिफिकेशन आपकी कंप्लीट हो जाती है। अब आपका फ़ोन कहीं भी नहीं जा सकता, देख सकते हैं इसके अंदर। और ये स्पाइडर लुकिंग के अंदर है जिससे आपका सेंसर वगैरह खराब नहीं है, स्टॉक ऑफर इसके अंदर होते हैं ऑलरेडी, देख सकते हो आप काम। और बाइक की लुक इतनी एनहेंस हो गई है कि एक्सपल्स लग नहीं रही है। गाड़ी गिरती है ना तो आपका क्रैश गार्ड पूरी तरीके से बचाता है, इंजन और आपका एग्जॉस्ट, साथ में टैंक और खुद के एलेक्स। वेलकम बैक टू, मैं हूँ आपका अपना राजभराज, आपके सामने हीरो एक्सपल्स प्रो मॉडल। और इसकी जो मॉडिफिकेशन दिखाने वाला हूँ आपको, काफ़ी डिसेंट सी मॉडिफिकेशन है, देख सकते हो। तो पहले इसके अंदर लगा देगी एक्सपल्स की ब्रांडिंग के साथ हेडलाइट ग्रिल, जिसे लगाने के बाद हेडलाइट भी सेफ हो जाती है और साथ में लुक भी काफ़ी एनहांस हो जाती है लगने के बाद। और इसके बाद आप देख सकते हैं इसके अंदर ये लगा दी गई रैपिंग कर दी गई इसके स्मोक वाली, जो आप देख सकते हैं ट्रांसपेरेंट वैसे इसके अंदर आती है। साथ में इसमें देखने मिलेगा आपको इसके अंदर बोबो का ओरिजिनल मोबाइल होल्डर, देख सकते हो। इसे लगाने के बाद ना आप कोई भी मोबाइल इसके अंदर इजीली डालकर और आप इसको रोक सकते हो पूरी तरीके से, देख सकते हैं। इसका सिस्टम आपका ये होता है, लॉक अनलॉक करने के बाद सीधा ओपन करके मोबाइल हैंग करिए इसके अंदर और इसको कर दिए लॉक। अब आपका फ़ोन कहीं भी नहीं जा सकता, देख सकते हैं इसके अंदर। और ये स्पाइडर लुकिंग के अंदर है जिससे आपका सेंसर वगैरह खराब नहीं है, स्टॉक ऑफर इसके अंदर होते हैं ऑलरेडी, देख सकते हो आप। जिससे आपका मोबाइल होता है पूरी तरीके से सेफ, क्योंकि महंगे महंगे मोबाइल्स होते हैं और उनके अंदर प्रॉब्लम आती है सेंसर वगैरह की, तो बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है महंगे मोबाइलों के अंदर। तो उस केस में ये लगा देगा इसके अंदर। साथ में इसमें देखने मिलेगा आपको हॉर्न, जो कि लगा देंगे इसके मिंडा के ओरिजिनल D95। ये आपके जो कि आपको देखोगे इंटरसेप्टर वगैरह के अंदर वो ओरिजिनल हॉर्न है। साउंड सुना दो तो कैसी आती है इसकी, ये इसकी साउंड है। और फिर इसके बाद दिखाता हूँ आपको इसके अंदर, ये है इसके इंडिकेटर बल्ब विद हैजार्ड, देख सकते हो आप इंडिकेटर बल्ब, जो कि सिमटेक ओरिजिनल की मिलते हैं। 3 साल गारंटी साथ में हैजार्ड, जितनी बार मैं इसका पुश करूँगा ये ऑटोमेटिकली पैटर्न हो जाएंगे चेंज। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5 22-25 पैटर्न इसके अंदर आपको मिल जाते हैं इजीली। और दोनों की गारंटी होती है, इसकी 1 साल बल्ब की होती है 3 साल, और इंडिकेटर के हैजार्ड जो होता है उसकी मिलती है आपको 1 साल की। इधर आपको देखने मिलेगा फुल बॉडी क्रैश गार्ड, जिससे आपकी इसकी लुक भी एनहांस हो जाती है। लुक के साथ साथ ना आपका पूरा टैंक प्रोटेक्ट होता है इससे, साथ में आपको खुद के लैग्स भी होते हैं पूरी तरीके से प्रोटेक्ट, क्योंकि जब भी गाड़ी गिरती है ना तो आपका क्रैश गार्ड पूरी तरीके से बचाता है इंजन और आपका एग्जॉस्ट, साथ में टैंक और खुद के लैग्स। ये स्लाइडर होता है जो आपका जब भी आपकी गाड़ी गिरती है तो इस पर हल्का फुल्का निशान आता है सिर्फ, ना तो ये टूटेगा ना ही टूटेगा आपका ये। और इसकी मिलती है हमारे पास गारंटी, कभी कोई दिक्कत से चेंज करा लीजिए। सेम इधर मिलेगा, सेम मिलेगा आपको इस तरफ, लुक चेकआउट कर लो इसकी किस तरीके की आती है दोनों तरफ से। और इसके बाद आपको इस साथ में इसमें लगा देगी, देख सकते हैं रेडिएटर गार्ड, ये एक्स की ब्रांडिंग वाला आपको मिल जाता है इसके अंदर रेडिएटर गार्ड, जिससे रेडिएटर होता पूरी तरीके से सेफ। और साथ में आपको एक चीज और दिखा दूँ दरी, ये देखिए एक्सपल्स की ब्रांडिंग वाले आपको मिल जाता है साइड स्टैंड जैकेट, जिससे आपका स्टैंड स्टेबल खड़ी रहती है इसे लगाने के बाद। और कहीं भी डस्ट में, मिट्टी में, धूल में, जैसे मर्जी आपकी गाड़ी हो, कहीं पर भी इसे खड़ी करोगे तो आपकी बाइक स्टेबल ही खड़ी रहेगी इसे लगाने के बाद। साथ में आपको देखने मिलेगा फॉग लैंप, जो कि मिलते हैं आपको HJG ओरिजिनल, सिंगल फीचर है इसका नाम है, ये भी इसके अंदर इंस्टॉल कर दी गई है। फिटमेंट देख लो आप, क्लैंप इसके अंदर लगे हुए हैवी वाले, जिसे इंस्टॉल करने के बाद कहीं भी नहीं जाने वाली है। और अब दिखाता हूँ इसकी रोशनी किस तरीके से आती है इसकी, देखिए ये हो गया इसका वाइट, ये हो गया येलो, वाइट येलो, तो ये मिलते हैं इसके 2 पैटर्न्स। और साथ में इसमें लगा देगा CNC स्विच, ये है इसका CNC स्विच, जिससे ये होती है ऑपरेट, देख सकते हो आप। इसे लगाने के बाद लुक भी एनहांस हो जाती है और ये होता है आपका फुल्ली वाटरप्रूफ। इसे लगाने के बाद आपकी बाइक में कभी कोई प्रॉब्लम भी नहीं आती, क्योंकि क्या होता है नॉर्मल लोग क्या करते हैं प्लास्टिक वाले यूज़ करते हैं, उससे लगाना वायरिंग शॉर्ट होने का खतरा ज़्यादा होता है। लगा देगा सैडल स्टे, जो देख सकते हो आप, ये लगा दिया। इसे लगाने के बाद ना समझ लो आपका एग्जॉस्ट भी सेफ हो गया, और आप चाहो तो उसमें सैडल बैग लगा सकते हो, या फिर आप चाहो तो इसके अंदर पैनियर्स भी लगा सकते हो, ये भी आपके इसके अंदर इजीली फिट हो सकते हैं इसे लगाने के बाद। सेम इधर देखने मिलेंगे, सेम मिलेगा आपको इस तरफ, लुक चेकआउट कर लो किस तरीके की लुक आती है इसे फिट होने के बाद। और इसे लगाने के बाद टूरिंग मॉडिफिकेशन आपकी कंप्लीट हो जाती है। अगर आप चाहो तो इसमें सैडल स्टे के साथ सैडल बैग और आप पैनियर भी इसके अंदर लगा ले तो। और साथ में इसमें देखने मिलेगा आपको टॉप बॉक्स, जो कि मिलता है 55 लीटर का, जो कि इसके अंदर लगा दिया गया है। ब्रांडिंग में ब्रांडिंग तो कुछ भी इस पर करा सकते हो जब मर्जी, ग्राफिक हट जाते हैं इसके अंदर, ये देखिए। और स्पेस चेक कर लो इसके अंदर कितना मिल जाता है आपको, ये इसके बकेट्स होती हैं जो इसमें लगाने के बाद कुछ भी सामान वगैरह आप आराम से इजीली रख सकते हो इसके अंदर। अंदर का स्पेस देख लो, इसमें चाहो तो एक हेलमेट के साथ बाकी और भी बहुत सारे सामान इसके अंदर आप रख सकते हो, जो कि ईजिली आपके रख जाते हो। और ये मिलता है आपको एल्यूमिनियम का और डिटैचेबल भी होता है, आप चाहो तो इसे निकाल कर घर भी रख सकते हो, ये सीधा सिंपली लॉक खोल के निकालोगे रख सकते हो कहीं पर भी। साथ में टॉप रैक प्लेट है, ये भी इसके अंदर इंस्टॉल कर दी गई है। टॉप रैक लगाने के बाद इजीली आपके फिट हो जाता है इसके अंदर। और जैसे इंडिकेटर बल्ब मैंने आगे देखा भाई, सेम पीछे भी मिल जाएंगे आपको देखने को इसके अंदर। और यहाँ पर अगर इसकी तो होगी मॉडिफिकेशन कंप्लीट। अब मिलाता हूँ भैया से,
जिन भैया की बाइक है उनको कैसा लगा? आइए सर। तो हेलो मिस्टर, कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया, आप बताओ। बढ़िया सर। तो आप ये बताइए सर कि आप पहले तो बताइए कितने टाइम से जुड़े हैं आप हमारे से? मैं भाई आपको लगभग 20-22 साल से जानता हूँ भाई को, और भाई का एक नंबर का काम है, और मेरे जानने वाले भी मैं देखता हूँ भाई के पास आते रहते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस में देखता रहता हूँ मैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। और इससे पहले भाई कुछ कहे मैं बता देता हूँ, मेरी बाइक में जो भी काम हुआ है एकदम डिसेंट काम, और बाइक की लुक इतनी एनहेंस हो गई है कि एक्सपल्स लग नहीं रही है, ये ऐसे लग रही है कंपनी ने कुछ अलग चीज़ बना के दी, और काफ़ी महंगी। तो बाकी भाई आपको बता ही रहे हैं, बहुत बढ़िया, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, एक एक सामान एकदम बहुत बढ़िया जेन्युइन। आज ही सेटिस्फाइड है पहले से? जब पहले से ही भाई, मैं तो आता रहता हूँ भाई का, वैसे ही मिलता रहता हूँ, लेकिन काम में तो मज़ा ही आ गया। कितने टाइम बाद आज आए हो मेरे पास यहाँ पे? यहाँ तो फर्स्ट टाइम है। मैं लगभग भाई से मिला हूँ पाँच छः साल बाद, क्योंकि तो मैं भी अपने काम में बिजी था थोड़ा सा, और चीज़ें हो जाती हैं, थोड़ा गैप हो जाता है। पर ज़रूर आएँ, अगर मज़ा ना आए तो पैसा वापस। तो थैंक यू सो मच भैया आपका आने के लिए। बिल्कुल। और ये मैं झूठ नहीं बोलता, जैसे मैं वीडियो में बोलता हूँ ना मैं कि 25 ईयर का एक्सपीरियंस, तो क्या मैं सही कहता हूँ गलत कहता हूँ? बिल्कुल है। तो ये बिल्कुल सही है, 25 ईयर का तुम्हारे भाई का एक्सपीरियंस है। और जब 20-22 साल पुराने बंदे आ गए हैं, 15 साल पुराने मैंने एक बार दिखाया था, 10 साल पहले मैं दिखा चुका हूँ मेरी वीडियोज़ में, जिन्होंने नहीं देखी हो वो चैनल पर जाकर चेकआउट कर ले, उनको मिल जाएंगी वो वीडियोज़ भी। और बाकी अगर काम अच्छा लगे तो आपको चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना है राजू भाई एसकेडी का, जो भी मिलेगा आपको भाई का चैनल, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ठीक है? कमेंट जरूर कर देना भाई आपको कैसा लगा ये सब, ठीक है ना? बाकी मिलते हैं फिर इस नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, गुड बाय।